ब्रह्मास्त्र, जो पिक्चर इतने टाइम से डिले होती आ रही है, वो फाइनली अब रिलीज हो चुकी है। भाई पिक्चर को लेकर बहुत ज्यादा हाइप थी कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव हिंदी फिल्म है, 410 करोड़ का बजट है, प्लस इसमें अमिताभ, नागार्जुन और रणवीर जैसे एक्टर्स हैं। अब मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। हाँ, मूवी में काफी ज्यादा कमियां थी और स्टोरी भी थोड़ी कमजोर पड़ गई, बट ये फिल्म मुझे फिर भी अच्छी लगी क्योंकि एटलीस्ट बॉलीवुड में कुछ हटकर तो हुआ। पर हाँ, मूवी का पूरा फोकस मुझे लव स्टोरी पर लगा, लेकिन इसके एक्शन सीक्वेंस, बीएफएक्स और बीजीएम मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए। चलो आओ कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो पिक्चर फोकस करती है शिवा की स्टोरी पर, जो कि स्पेशल है क्योंकि उसे दौरे पड़ते हैं। तो शिवा पैसे से अनाथ है और उसके यहाँ शादी व पार्टी में डीजे की बुकिंग की जाती है। वो एक डीजे है, और अगर आप भी इस डीजे को अपनी पार्टी में बुलाना चाहते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि इसको डांस का भूत भी चढ़ जाता है। एनीवेज, शिवा जो हमारा कैरेक्टर है, उसको आग जला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अग्नि अस्त्र है, जिसका मतलब कि वो आग को कंट्रोल कर सकता है और अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है। लेकिन शिवा को अभी कुछ भी नहीं आता और उसे ये सब वक्त के साथ ही सीखना पड़ेगा। पर सच में यार, मुझे शिवा का कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी बढ़िया लगा। मतलब जैसे जैसे उसका पावर लेवल बढ़ता है, भाई देखकर मजा आ जाता है। लेकिन इन सब में हमारा शिवा अकेला नहीं है, उसके साथ लंदन से आई हुई एक एनआरआई लड़की ईशा, जो कि पंडालों में पूजन करवाती है, काफी सुशील है। बट रात होते ही वो एक अनजान लड़के के साथ छते भी कूद सकती है। ब्रह्मास्त्र में लव स्टोरी होगी ये मुझे पता था, पर इतनी ज्यादा होगी ये नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि ठीक है, हीरो की लव लाइफ दिखाने के लिए ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया होगा, बट लव स्टोरी थोड़ी ज्यादा हो गई। जब पिक्चर का नाम ब्रह्मास्त्र है तो आपको लव स्टोरी से ज्यादा अस्त्रों पर फोकस करना चाहिए था। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस पिक्चर की स्टोरी कई साल पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, और इसीलिए शायद इसमें लव स्टोरी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। पर पूरी फिल्म में सिर्फ लव स्टोरियां ही नहीं बल्कि एक्शन भी है। भाई पिक्चर की स्टार्ट ही एक्शन से होती है, जहां अपना पायलिया पहना हुआ साइंटिस्ट, जिसके एक्टर का मैं नाम नहीं लेने वाला, वो अपने एनिमी से फाइट करता है। लेकिन उसके एनिमी को नहीं पता था कि वो पायलिया नहीं बल्कि वानरास्त्र है, पर हमें पता था क्योंकि टीजर, ट्रेलर, प्रोमो सभी में दिखा चुके हैं ये लोग। वेल, ये वाला जो फाइट सीन था वो काफी ज्यादा बढ़िया था, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इसमें फाइट सीन्स जो है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है, और ये बात एकदम सच है। आप खुद ट्राई कर लेना, भले ही आपको स्टोरी इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए, लेकिन एक्शन सीन्स जरूर कर लेंगे। ऐसा ही एक फाइटिंग सीन है नागार्जुन के कैरेक्टर अनीश का, वही ट्रक वाला सीन जो इन्होंने ट्रेलर में दिखाया था। लिटरली भाई, इस सीन पर एकदम गूज़बम्स आ गए थे मुझे। मतलब यहाँ पर यार, नागार्जुन के कैरेक्टर को एक बहुत ही पावरफुल वे में प्रेजेंट किया गया था। सच में मजा आ गया देखकर। यहाँ तक कि आप ऐसा समझ सकते हो कि पूरी पिक्चर में से ये सीन मेरा फेवरेट बन गया। एकदम गूज़बम्स देने वाला फाइट सीक्वेंस था ये। लेकिन हाँ, ऐसा ही गूज़बम्स देने वाला एक और सीन था जस्ट इंटरवल से पहले, और ये ऐसा सीन था जहाँ पूरे थिएटर में मैं अकेला चीख रहा था। बहुत एम्बेरसिंग था यार, पर हाँ उस सीन में भी मजा बहुत आया। अब आते हैं गुरु पर, ब्रह्मांश के गुरु पर। भाई ये बंदा बहुत खतरनाक है, जेब में चाकू लेकर घूमता है यार। गुरु को अमिताभ बच्चन जी ने प्ले किया है। भाई इस उम्र में भी ये एक्शन सीन्स करके नहीं थक रहे, और यहाँ मैं लेटे लेटे ही थक जाता हूँ। वैसे गुरु का कैरेक्टर शिवा की बहुत हेल्प करता है उसे फायर पर कंट्रोल कराने में, ऑब्वियसली करेगा यार, उसका नाम ही गुरु है। लेकिन हाँ, ये एक्सपेक्ट मत कर लेना कि आपको गुरु के साथ साथ ब्रह्मांश के सारे मेंबर्स अपने अपने अस्त्रों का यूज करते हुए दिखेंगे। उसके लिए शायद आपको थर्ड पार्ट तक वेट करना होगा। मैं भी शायद उसी पिक्चर में सबसे बड़ी बैटल दिखाई जाए। तो थोड़ी सी अब विलन की बात करते हैं, जुनून की। देखो, मोनी रॉय ने जो एक्टिंग की है एज ए विलन, वो बहुत इम्प्रेसिव है। जो डायलॉग डिलीवरी और जिस तरह की एक्टिंग इन्होंने की है वो सच में काबिले तारीफ है। जुनून को पूरी पिक्चर में बस एक ही काम करना है, ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को कलेक्ट कर उन्हें जोड़ना है। क्यों, कैसे, किस लिए, फिल्म में देखना। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि पिक्चर को थोड़ा और भी छोटा किया जा सकता था। मतलब यार, 2 घंटे 40 मिनट की पिक्चर है जिसको आराम से कम किया जा सकता था। पहले तो कुछ गाने खत्म हो सकते थे या उन्हें एडिट करके छोटा भी किया जा सकता था। जैसे डांस का भूत जो गाना है उसे खत्म कर देते और केसरिया को थोड़ा छोटा कर देते, प्लस कुछ सीन्स को भी कट किया जा सकता था। देखो, पिक्चर का नाम ब्रह्मास्त्र है, प्लस इन्होंने टीजर ट्रेलर्स में भी लव स्टोरी से ज्यादा विजुअल्स और एक्शंस दिखाए हैं। मतलब ये पिक्चर को बेचना ही बेटर विजुअल्स और फाइटिंग सीक्वेंस दिखाकर चाहते थे, पर पिक्चर में इन्होंने लव स्टोरी बहुत ज्यादा दिखाई, इसलिए इन्हें लव स्टोरी दिखाने की बजाय ब्रह्मांश के और भी मेंबर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये इसके आने वाले पार्ट्स में और भी अस्त्रों को एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए इस पिक्चर में ही सब कुछ नहीं दिखाया। प्लस फ्यूचर मूवीज में प्लीज यार, लव स्टोरी पर फोकस मत रखना। मेन फोकस किसी अस्त्र या किसी कैरेक्टर पर ही होना चाहिए, भले ही वो कैरेक्टर विलन हो या हीरो। अब यार, मैंने तो पर्सनली इस पिक्चर के एक्शन सीक्वेंस और विजुअल्स को काफी ज्यादा एंजॉय किया, और मुझे ये फिल्म एक अच्छी फिल्म लगी। प्लस कम से कम इस पिक्चर ने बॉलीवुड में कुछ नया करने की कोशिश तो की, एंड मे बी इसके सीक्वल्स को ये और भी बेटर करके बनाए। पर इसके सीक्वल्स इससे बेटर हो सकते हैं, लेकिन स्पेशल नहीं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र इंडिया के लिए बहुत स्पेशल है। जानना चाहते हो क्यों, तो सामने क्लिक करके वीडियो देख लेना। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।